हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडीज़। तो आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के ऊपर, नए सब्जेक्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाई हम किसी भी बार का हम चेंज इन लेंथ हम कैसे निकालते हैं। तो आज उसी के ऊपर बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल एक और लेके आया हूँ, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या फाइंड, कैसे हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर हम इलोंगेशन ऑफ बार हम कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और हम निकालते हैं अपना क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में हमें बोला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन है उसमें मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है। ओके, द पिस्टन ऑफ अ स्टीम इंजन इज 600 mm। जो पिस्टन है स्टीम इंजन का, उसका जो डायमीटर जो दिया है वो दिया है 600 mm का। ठीक है, इन्हें पिस्टन डायमीटर रोड, जो पिस्टन से जो रोड कनेक्ट है, ये वाली इस डायग्राम में आपने देख ही लिया होगा, उसका डायमीटर दे रखा है हमारा 100 mm। जो पिस्टन जो है हमारा, इसका जो सिलेंडर का जो डायमीटर दिया है वो दिया है 600 mm, और पिस्टन रोड का डायमीटर दिया है 100 mm। ओके, फाइंड द स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस फाइंड करना है और इलोंगेशन भी फाइंड करना है, एंड इलोंगेशन। ओके, इन द लेंथ ऑफ अ 1 meter, और इसकी जो लेंथ जो दी है पिस्टन रोड की वो दिया हमें 1 meter। ठीक है, और इसमें आगे क्या दिया है, द स्टीम प्रेशर इज 3 newton per mm square। स्टीम का जो प्रेशर जो लग रहा है, स्टीम इस सिलेंडर के अंदर जो स्टीम जो है हमारी, उसका जो प्रेशर जो फोर्स जो लग रहा है हमारा, स्टीम फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है हमारा 3 newton per mm square। टेक द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 × 10⁵ newton per mm square। ठीक है, तो मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ कि भाई क्या क्या बोल रहा है। हमें दिया है पिस्टन स्टीम इंजन का डायमीटर जो दिया है, कैपिटल डी से मैं इसको डिनोट करूँगा, वो दिया है मेरे 600 mm। यूनिट्स हम सिमिलर ही रखे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रेशर की जो और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो दी है वो दिया है न्यूटन पर एमएम है। ओके, तो हमें यूनिट्स को चेंज नहीं करेंगे, और स्मॉल डी जो दिया है वो दिया है 100 mm। ठीक, और इसके बाद हमें जो लेंथ जो दी है एल इक्वल्स टू, वो कितनी दी है हमें 1 meter। इसको मैं एमएम में कन्वर्ट करूँ क्योंकि मीटर में दिए, तो इसको हो जाएगी 1000 mm। ठीक, और हमें प्रेशर दिया है पी इक्वल्स टू, कितना दिया है 3 newton per mm square। और इसके बाद क्या दिया हमारा ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो दिया हमें 2 × 10⁵ newton per mm square। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करने को बोला वो हम लिख लेते हैं, कि हमें इलोंगेशन फाइंड करना है और स्ट्रेस फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके अंदर हम स्ट्रेस को फाइंड करेंगे, कि भाई हम स्ट्रेस इसके जो इस पिस्टन के ऊपर जो स्ट्रेस जो लग रहा है, स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें यहाँ से निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आगे। तो मैं फर्स्ट लिखूंगा स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पिस्टन सिलेंडर। ओके, तो मैं स्ट्रेस फाइंड करना, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है पिस्टन सिलेंडर के अंदर, जो पिस्टन के ऊपर जो अंदर जो स्ट्रेस जो लग रहा है इस स्टीम के रीजन से, तो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, या इसको मैं लिख सकता हूँ प्रेशर अपॉन एरिया भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ मैथमेटिकली टर्म में, सिग्मा इक्वल्स टू पी बाय ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। अब हमें क्या क्या वैल्यू नहीं पता वो निकालते हैं। हमें पी मालूम है हमें, क्योंकि हमें स्टीम का प्रेशर दिया है। अब मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, एक मिनट, मैं इसमें लेंथ नहीं बनाई, मैंने लेंथ में बना देता हूँ इसकी बार की। जो हमारे पिस्टन रोड का जो लेंथ जो दिया है वो यहाँ से यहाँ तक का जो दिया है वो दिया है मेरे को 1000 mm। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, पिस्टन रोड का मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, और मुझे जो ये जो
जो आउटर शेल जो मेरी पिस्टन सिलेंडर की उसका भी डायमीटर, उसका भी मुझे एरिया निकालना है, और दोनों को एरिया को मर्ज करके मैं एक नेट एरिया यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो वही होगा मेरा परफेक्ट, जो हमारा जो नेट एरिया जो होगा उसी पे हमारा जो होगा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल्स एरिया इक्वल्स टू, हम अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, बट मैं एक ही तरीके से निकालूंगा, उसी में दोनों को मर्ज कर दूंगा, पिस्टन का भी, पिस्टन रोड का भी डायमीटर मर्ज करूंगा, और पिस्टन सिलेंडर जो है उसका भी डायमीटर को मर्ज कर दूंगा। तो पिस्टन जो हमारा जो टोटल नेट एरिया जो होगा, इसको मैं लिख रहा हूँ नेट एरिया, नेट एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर ब्रैकेट में कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, यही होगा हमारा नेट एरिया। तो अब लगा लेते हैं हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को। हमें डी और कैपिटल डी, स्मॉल कैपिटल डी और स्मॉल डी हमें मालूम है, जो मैंने लिखे हैं क्वेश्चन में ये रहे। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को डाल देता हूँ, यहाँ से 600 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैं इसका एक बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं एरिया निकाल लेता हूँ कितना आएगा, वो आएगा मेरा, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 600 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इनटू पाई बाय 4, दिस इज एम में आएगा हमारा 27488935 mm स्क्वायर। ये क्या आया मेरा नेट एरिया ऑफ दी, जो हमारा लग रहा है इस पिस्टन फोर्स के रीजन से, जो हमारा जो टोटल जो नेट एरिया जो लग रहा है हमारा इस सिलेंडर के अंदर, जो हमारा इस स्टीम के रीजन से लग रहा है, वो मेरा है 27488935 mm स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है पी। ठीक है, अब मुझे पी पता है, अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, इसके बाद मैं निकालूंगा यहाँ से टोटल फोर्स ऑन दी पिस्टन, जो हमारा जो टोटल फोर्स जो लग रहा है पिस्टन का। ठीक है, वो निकालते हैं, टोटल पिस्टन फोर्स। ठीक है, तो होगा वो होगा हमारा पी इक्वल्स टू स्टीम प्रेशर, इसको मैं एफ पी से डिनोट कर दूँ, एफ पी जो होगा हमारा पिस्टन फोर्स होगा, एफ पी स्टीम प्रेशर मल्टीप्लाई बाय नेट एरिया, नेट एरिया ऑफ पिस्टन, यही होगा। तो एफ पी इक्वल्स टू स्टीम प्रेशर कितना है 3 मल्टीप्लाई नेट एरिया हमारा कितना है 27488935। तो एफ पी जो आएगा मेरे निकल के, इसको मैं आंसर जो मेरा आया था उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 से, तो आ जाएगा 8246688.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये होगा मेरा पिस्टन फोर्स प्रोड्यूस ऑन दी सिलेंडर, सिलेंडर से के जो सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन फोर्स जो लगा रहा है, पिस्टन टोटल फोर्स जो लगा रहा है इस शेल के अंदर, वो हमारा आएगा इतना। ठीक है, क्या सॉरी ये न्यूटन में आएगा हमारा प्रेशर, ये न्यूटन पर एमएम नहीं आएगा, ये न्यूटन में आएगा सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे नेट फोर्स भी पता लग गया, अब मुझे नेट एरिया भी पता लग गया, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक पर्टिकुलर एरिया निकालूंगा इस रोड का। तो एरिया ऑफ द रोड, या पिस्टन रोड का एरिया बोल लो, पिस्टन रोड एरिया, तो उसको मैं लिखूँगा ए वन से डिनोट कर लेते हैं, तो होगा पाई बाय 4 इंटू स्मॉल डी का स्क्वायर, क्योंकि जो स्मॉल डी हमारा पिस्टन रोड है। ओके, तो ए वन इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू 100 का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा पिस्टन फोर्स आ जाएगा निकल के पाई बाय 4 इंटू 100 का स्क्वायर, दिस इज
7853.98 mm², ये आ गया मेरा पिस्टन एरिया, जो पिस्टन रोड का जो था एरिया मेरा यहाँ से निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेस फाइंड करना है। अब मेरा स्ट्रेस कैसे लग रहा होगा, स्ट्रेस मेरा जो ये हमारी जो रोड का जो एरिया है और जो हमारा टोटल प्रेशर, जो हमारा जो नेट प्रेशर जो है पिस्टन फोर्स, जो हमारा एरिया जो आएगा, जो पिस्टन फोर्स जो लगा रहा होगा और जो हमारा नेट, जो हमारा जो एरिया जो होगा रोड का, उसी के बेसिस पे हमारा क्या होगा, हमारा स्ट्रेस निकलेगा। ओके, तो अब हम निकालते हैं आगे। ये मैंने एरिया निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें अब मैं स्ट्रेस निकालूँगा। तो अब यहाँ पे लिख लेता हूँ सिग्मा इक्वल्स टू पी, यहाँ पे मैं एफ पी लिख लेता हूँ, पिस्टन फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मेरा एफ पी जो है मेरा पिस्टन फोर्स है। तो यहाँ से मैं एफ पी की वैल्यू यहाँ पर डालूँगा, ये मेरी जो आई थी यहाँ से निकल के 82466.07 डिवाइडेड बाय कितना नेट, जो हमारा जो पिस्टन रोड का एरिया आया था वो 7853.98। जब हम इसको सोल्व करेंगे वो हमारा कितना आएगा निकल के, डिवाइड बाय आंसर, सॉरी 82466.07 डिवाइड बाय 7853.98, दिस इज 105 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, ये मेरा आ गया स्ट्रेस। अब मुझे क्या निकालना है इसके आगे, इसकी इलोंगेशन ऑफ द बार निकालना है, चेंज इन लेंथ, वो मेरा क्या होगा। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में, उससे दो न्यूमेरिकल कराए थे, तीन न्यूमेरिकल कराए थे उससे, देन मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप देख लेना चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई, यही होता है। ए वन यहाँ पर मैं लिखूँगा और ये मैं लिखूँगा यहाँ पर पिस्टन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं चेंज इन लेंथ यहाँ से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं आगे, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। जो मेरा पिस्टन फोर्स जो आया निकल के वो मेरा कितना आया था, उसी के बिहाफ पे हम चेंज इन लेंथ हम निकालेंगे। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू वो आएगी हमारे पिस्टन फोर्स हमारा आया था कितना, 82466.08 मल्टीप्लाई लेंथ हमें गिवन थी क्वेश्चन में, कितनी थी लेंथ पिस्टन, जो पिस्टन रोड की जो लेंथ थी वो थी हमारे 1000 mm क्वेश्चन में गिवन थी। दिस इज 1000 डिवाइड बाय जो हमारा पिस्टन रोड का एरिया कितना आया था निकल के, वो अभी मैंने निकाला था पीछे, वो आया था मेरा 7853.98 mm². तो यहाँ पे डालेंगे वैल्यू 7853.98 मल्टीप्लाई ई, मुझे क्वेश्चन में गिवन था 2 × 10⁵ जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा चेंज इन लेंथ, तो 82466.08 × 1000 / 7853.98 × 2 × 10⁵ दिस इज 0.0525 mm। ओके, तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, और हमें यही निकालने को बोला था कि इसमें हमारी जो इस फोर्स की जो हमारा पिस्टन फोर्स जो लग रहा है उस बिहाफ पे हमारा जो चेंज इन लेंथ क्या आएगा हमारे निकल के, वो आएगा हमारा 0.525 mm। तो इस वीडियो में इतना ही, न्यूमेरिकल कैसा लगा लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।